हाल ही में जोमेटो के शेयर्स की प्राइस ने अपने 52 वीक हाई के लेवल को टच किया था और कंपनी के शेयर की प्राइस 199 रुपीस पर पहुंच चुकी थी। और जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब करंटली इस कंपनी के शेयर की प्राइस चल रही है 186 रुपीस के आसपास। अब जोमेटो के शेयर्स ने रिसेंटली अपने 52 वीक हाई के लेवल को टच किया था, तो यहां पर इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि इस कंपनी के शेयर्स में करंटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या प्रॉफिट बुकिंग करके अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को विड्रॉ करना चाहिए, या आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में जोमेटो के फंडामेंटल और जोमेटो के टेक्निकल्स के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर को देखेंगे तो अपने 52 वीक हाई के लेवल को टच करने के बाद से यहां पर 5% तक का डाउनफॉल देखने को मिला है विद इन अ वीक। तो इसके पीछे का भी रीजन क्या है, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना और वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। अगर आप लोग जोमेटो के शेयर्स के रिटर्न को देखेंगे तो जोमेटो के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं, और लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं लगता था कि जोमेटो के शेयर्स में इतने ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। अगर लास्ट मार्केट क्लोजिंग की बात की जाए तो जोमेटो के शेयर्स में 1% का डाउनफॉल दिखा है। एक महीने में इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को 16.49% के रिटर्न दिए हैं। पिछले 3 महीने की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म में इस कंपनी के शेयर 46% से ज्यादा ग्रो कर चुके हैं, और पिछले 1 साल में कंपनी के शेयर अपने इन्वेस्टर्स को 245% के रिटर्न दे चुके हैं। अब जोमेटो के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है डिसाइड करने से पहले जोमेटो के बिजनेस मॉडल को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंटली अगर आप लोग जोमेटो के बिजनेस मॉडल को देखेंगे तो जोमेटो का बिजनेस 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है, और इन 3 सेगमेंट में जोमेटो 3 तरीकों से पैसे कमाता है। नंबर 1, जोमेटो का फूड डिलीवरी बिजनेस। जोमेटो ने मार्केट के ज्यादातर होटल के साथ टाइप करके एक नेटवर्क बिल्ड किया है जहां पर कंज्यूमर ऑर्डर करता है और जोमेटो उस ऑर्डर को उस होटल के थ्रू फुलफिल करता है, और जोमेटो के सेगमेंट के बिजनेस के रेवेन्यूज जो है वो ग्रो होते जा रहे हैं। सेकंड चीज, जोमेटो का हाइपर प्योर बिजनेस। जोमेटो के हाइपर प्योर बिजनेस में इसके कस्टमर्स को जोमेटो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, मतलब कि मार्केट में जितने भी होटल आउटलेट्स हैं इनके रिक्वायरमेंट पड़ने पर जोमेटो इन्हें रॉ मटेरियल्स यानी कि फूड आइटम्स या तो वेजिटेबल्स या तो ऐसी चीजें प्रोवाइड करता है एट लोअर कॉस्ट। और सेकंड चीज, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स के लिए मार्केट में जोमेटो कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। जोमेटो का कस्टमर बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी वजह से जोमेटो का इस चीज का एडवांटेज मिलता है। अगर किसी को होटल या रेस्टोरेंट चेन ओपन करनी होती है तो जोमेटो के साथ कंसल्ट करने पर बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, और इस कंसल्टेशन सर्विसेज का इस्तेमाल करके जोमेटो भी बहुत ज्यादा रेवेन्यूज कमाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, तीसरा ऐसा बिजनेस है जोमेटो का जो कि लोगों को लगता था कि जोमेटो का डिसीजन एक लॉस मेकिंग डिसीजन होगा, लेकिन ओवरऑल जोमेटो को इसकी वजह से भी काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ ब्लिंकिट की। ब्लिंकिट एक क्विक कॉमर्स के सेक्टर की कंपनी है जो कि अपने कस्टमर्स के ऑर्डर को फुलफिल करती है एज सून एज पॉसिबल। जहां पर लोगों को पर्टिकुलर ऑर्डर फुलफिल करने के लिए 1 डे का टाइम लगता है, वहीं पर जोमेटो के ब्लिंकिट को उस पर्टिकुलर ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए 10-30 मिनट का टाइम पीरियड ही लगता है। अगर आप लोग जोमेटो के रेवेन्यू की ग्रोथ को देखेंगे तो जोमेटो का रेवेन्यू की ग्रोथ पिछले 5 सालों में डे बाय डे इंक्रीज होते जा रही है, और करंटली जोमेटो के रेवेन्यू की ग्रोथ जो है वो इंडस्ट्री के एवरेज को भी क्रॉस कर चुकी है। रेवेन्यू ग्रोथ का इंडस्ट्री एवरेज 26% का निकल कर आता है, लेकिन जोमेटो का रेवेन्यू ग्रोथ का परसेंटेज है 73 का। और अगर मार्केट शेयर की बात की जाए तो जोमेटो का मार्केट शेयर भी पिछले 5 सालों में काफी तेजी से इंक्रीज हुआ है। 5 साल पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर 6.28% का था, लेकिन अब इस कंपनी का मार्केट शेयर 30% के फिगर्स को भी क्रॉस कर चुका है। और अगर आप लोग इनकम स्टेटमेंट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जोमेटो के इनकम स्टेटमेंट में आप लोगों को रेवेन्यूज तो ग्रो करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप लोग नेट प्रॉफिट पर फोकस करेंगे तो कंपनी अभी भी नेट प्रॉफिट शो नहीं कर पा रही है। यहाँ पर कंपनीज को अभी भी लॉसेस ही हो रहे हैं, क्योंकि फिलहाल अगर आप लोग कंपनी के मैनेजमेंट को देखेंगे तो कंपनी के मैनेजमेंट में कंपनी का ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी कम निकल कर आता है, और यहाँ पर अमाउंट नेगेटिव होने की वजह से प्रॉफिट भी शो नहीं कर पाती है। और अगर आप लोग इस कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो को देखेंगे तो इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम है, क्योंकि करंटली इस कंपनी के ऊपर 500 करोड़ के आसपास का ही डेट है जो कि नेग्लिजिबल है, ये कंपनी पे कर सकती है। इसके अलावा अगर आप लोग करंट रेशियो को देखेंगे तो इस कंपनी का करंट रेशियो भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव तेजी से ग्रो करते जा रहा है और इंडस्ट्री के लेवल से काफी ज्यादा है। करंटली इंडस्ट्री का करंट रेशियो का एवरेज निकल कर आता है 308% का, लेकिन जोमेटो का करंट रेशियो निकल कर आता है 641% का, मतलब इंडस्ट्री से डबल। लेकिन अगर आप लोग कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको नेगेटिव फिगर्स दिखाई देंगे। नेट चेंज इन कैश करंटली नेगेटिव में है, -174 का फिगर है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल का अमाउंट भी नेगेटिव में है, जिसका फिगर है -206 का। कंपनी ने 103 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है और ये अमाउंट पॉजिटिव में है। और फ्री कैश फ्लो की बात की जाए तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फ्री कैश फ्लो भी नेगेटिव में है, -943 के फिगर में। अगर आप लोग कंपनी की वैल्यूएशन को देखेंगे तो कंपनी का जो पी रेशियो है वो नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग प्राइस टू
बुक वैल्यू के रेशियो को देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो निकल कर आता है 8.43 का। लेकिन अगर आप लोग मार्केट में वोलेटिलिटी को देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर की वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा है। और अगर आप लोग जोमेटो के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो जोमेटो के शेयर होल्डिंग पैटर्न से आपको पता चलेगा कि जोमेटो में प्रमोटर्स ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, मतलब कि प्रमोटर्स का इन्वेस्टमेंट का स्टेक 0% का है। म्यूचुअल फंड ने 12.34% का इन्वेस्टमेंट किया है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 3.14% का इन्वेस्टमेंट किया है। FIS के पास 54% तक की शेयर होल्डिंग है और बाकी बचे 29% तक के स्टेक में इन्वेस्टमेंट किया है रिटेल इन्वेस्टर्स ने और अदर पार्टीज ने। तो चलिए अब हम चलते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स पर। अगर आप लोग कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के शेयर में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। जब इस कंपनी के शेयर एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचते हैं, इन्वेस्टर्स को लगता है कि इस कंपनी के शेयर में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए क्योंकि कंपनी के शेयर में प्रॉफिट दिखाई देते हैं। तब वहां पर प्रॉफिट बुकिंग के वजह से कंपनी के शेयर की प्राइस में करेक्शन आता है और फिर से कंपनी के शेयर की प्राइस गिर जाती है। और अगर आप इस चार्ट को थरली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि करंटली इस कंपनी के साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। और अगर आप लोग एक हफ्ते के टाइम पीरियड में भी देखेंगे तो एक हफ्ते के टाइम पीरियड में भी यही हुआ है। कंपनी के शेयर की प्राइस जो 5% के आसपास गिरी है उसके पीछे का रीजन भी यही था। जोमेटो के शेयर्स ने अपने 52 वीक हाई के लेवल को टच किया था और जैसे ही जोमेटो के शेयर्स ने 52 वीक हाई के लेवल को टच किया वैसे ही इन्वेस्टर्स ने अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया और इसी की वजह से कंपनी के शेयर 5% से गिर चुके थे। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको ये पता चल गया है कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी के रिटर्न्स कैसे हैं और कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या कहता है। करेंटली अगर आप लोग जोमेटो के प्रॉफिट्स को देखेंगे तो जोमेटो के प्रॉफिट्स ग्रो करते जा रहे हैं, अब रेवेन्यू तेजी से ग्रो करता है और कंपनी का ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम होता है, तो ऐसे केसेस में बहुत ही जल्दी नेट प्रॉफिट दिखाई देगा और कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनेगी। अगर आप लोग जोमेटो के शेयर्स में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है क्योंकि ओवरऑल जोमेटो के शेयर्स की प्राइस ग्रो करने वाली है, क्योंकि एक दिन जोमेटो के शेयर्स में जोमेटो के रेवेन्यू स्टेटमेंट में प्रॉफिट दिखाई देंगे। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।